सब लोगों को जिन्होंने मूवी देखी और जिन्होंने नहीं देखी अभी तक, क्या कर रहे हो, देखो. सो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यू नो, क्रिटिक्स को अच्छी लगी फिल्म, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग आम जनता से, यू नो, लड़कियों से, हस्बैंड से, दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. सो अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट वी put it in museums, we experience it in theaters, I mean in our schools. So I think that is very gratifying for us. So we're very happy. रीजनिंग बताती है क्यों education important. So I feel it's a very important, relevant subject, and that's why I liked it. And we are very happy that logon ko bhi aisa lag raha hai. So yeah. स्मॉल टाउन तक मैसेजेस जा रहे, स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे, ये हैवी सॉ दो स्क्रीनिंग या पिक्चर्स, कुछ ऐसे मैसेज आया? आई सो, आई इनफैक्ट मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, एक किसी ने मुझे बोला थैंक यू सो मच, मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाई, बट यू नो शी वाज वेरी फील सेकंड, सो इट्स सो इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू से थिंग्स सेक्स एजुकेशन का जो विषय है, क्या लगता है आपको परफेक्ट स्टैंडर्ड कौन सा होगा जिस स्टैंडर्ड से कंपलसरी होना चाहिए? और जिस एज में आप एडोलेसेंस करते हैं, 13-14, 12-13 की उम्र से आप एडोलेसेंस बायोलॉजिकल करते हैं, नहीं देखेंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही करना है, यू नो, अगर कोई फिल्म आएगी जो एज अ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट भी रिलेटेबल है, तो व्हाई नॉट, बट मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं लिमिट नहीं करना चाहती. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर रकुल जी.